नमस्ते किसान भाइयों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यह जो आप मुर्गियां देख रहे हैं, यह डीपी क्रॉस यह ब्रीड है। और यह जो फार्म के ओनर जो है, इनका नाम श्रीकांत जाधव। इनका जो लोकेशन है वह जत सांगली, मतलब तालुका जो है इनका जत है, और ज़िला सांगली, यहाँ पे इनका फार्म लोकेटेड है। अगर जिस किसी को यह मुर्गियाँ चाहिए होंगी तो आप ले सकते हैं। इनकी जो एज है वह 5 से 5.25, मतलब 5 महीने के करीब करीब मुर्गियाँ है। और अभी अभी इसमें की कुछ मुर्गियाँ अंडों पर आई है, और अभी अभी धीरे धीरे बाकी की जो मुर्गियाँ है वह सभी अंडों पे आ जाएगी। तो इनके पास जो फार्मिंग है वह काऊ फार्मिंग है, भैंस पालन, गाय पालन, उसके बाद में बकरी पालन, मुर्गी पालन, ऐसे बहुत सी जो ब्रीड्स है वह ये पालते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फीमेल है वह 108 है, और 12 मेल, मतलब टोटल 120 जो नग है इनके पास। अगर आप इसमें और प्योर गावरन के जो नग है, मतलब मुर्गे, वह 10-20 और ऐड कर देंगे तो इससे आप अच्छी एक फार्मिंग ले सकते हैं। तो इनका जो फार्मिंग है वह पूरा फ्री रेंज में ही है। फ्री रेंज मतलब इनका जो खेत में है, खेत में यह पालते हैं सभी मुर्गियाँ। और फ्री में जो मुर्गियों को जो मिलता है, ऐसे घास वगैरह, या फिर जो काउडंग पे जो कीड़े वगैरह रहते हैं, वही सब भी मुर्गियाँ खाती है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रोटीन मिलता है और अच्छी इनकी सेहत रहती है। जैसे इनका भी अगर अपन ने वजन देखा तो 2 से 2.25 किलो की जो है यह फीमेल है, और मेल 2.5 किलो तक इनके पास अवेलेबल है। अगर जिस किसी को चाहिए होंगी तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप कॉन्टैक्ट करके इनसे आप यह जो मुर्गियाँ है वह ले सकते हैं। यह दोस्तों फ्री रेंज में मुर्गियाँ पालने के जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे, क्योंकि अब फीड का जो कॉस्ट है वो बहुत सारा बच जाता है। उसके बाद जो मुर्गियाँ है वह निरोगी रहती है, मतलब उनको डिसीज़ वगैरह ज़्यादा होती नहीं है। अगर आप इन मुर्गियों को 2-3 महीने में एक बार अगर लासोटा की जो वैक्सीन है वो दे, पानी के द्वारा अगर दे दिए तुमने, तो उनको बीमारी आने के जो चांसेस है, जैसे रानीखेत वगैरह, वह बीमारी आती नहीं है, और अच्छी से अच्छी ये मुर्गियाँ पल जाती है फ्री रेंज में। इसके बाद अंडे देने के लिए आप देख सकते हैं कि जो शेड में है ऐसी टोकरियाँ वगैरह बांधी है, जिससे कि उसमें अंडे वगैरह मुर्गियाँ दे। और नीचे जो है वह फ्लोरिंग पे इन्होंने घास वगैरह डाली है, जिससे कि नीचे की जो फ्लोर है वो ख़राब नहीं हो। उसके बाद में अगर आपने शेड देखा तो शेड की जो साइड की जो दीवार है वो 2.5 से 3 फुट की दीवार है, और अंडे के जो बक्सेस है वह कैरेट जो आते हैं अपनी सब्जी के, वो कैरेट वगैरह इन्होंने लगाए हैं। और मुर्गियों को बैठने के लिए जो बांस वगैरह रहती है वो शेड में ऐसे बांधे हैं, जिससे कि देसी मुर्गी जो है वो ऊपर ऊपर बैठना पसंद करती है। इससे इसकी वजह से इन्होंने बांस वगैरह लगा कर जो मुर्गियाँ हैं इनको बैठने के लिए बांस वगैरह लगाए हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि डीपी क्रॉस जो मुर्गियाँ है वो सालाना 170 से 180 अंडी मतलब पर ईयर देती है, और एक की जो साइज़ है वह नॉर्मल जो अपनी देसी मुर्गी की साइज़ है वही साइज़ के अंडे रहते हैं। और जो यह टोकरी इन्होंने बांध के रखी है उसमें वह फीड भी डालते हैं, और कुछ कैरेट में मुर्गी अंडे भी देते हैं। और आप यह जो मेल देख रहे हैं यह इस टाइप में मेल है, और पूरा फ्री रेंज होने के कारण यह जो मुर्गी है आपको लेने में बहुत ही बेनिफिशियल, मतलब बहुत ही फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फीडबैक का कॉस्ट एकदम बच जाएगा। उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ इनके पास गोट फार्मिंग भी है। गोट फार्मिंग में बहुत सी इनके पास ब्रीड है, जैसे आप इनसे कांटेक्ट करके इनसे पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर बकरियाँ वगैरह चाहिए होंगी तो इनके पास बोर का मेल वगैरह भी है ब्रीडिंग के लिए, तो आपको अगर चाहिए होगा तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। फीमेल जो है वो अंडे वाली वो लेने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में जैसे ठंड का मौसम अगर आ गया तो ठंड के मौसम में एक की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ जाती है, और एक के जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से अगर किस भाइयों को मुर्गियाँ वगैरह चाहिए होंगी अंडे के लिए तो इनसे ले सकते हैं। इनका नाम श्रीकांत जाधव, इनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अगर आपको चाहिए होंगे तो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करिए। जैसे कि 100-150 नग के करीब करीब मुर्गियाँ है, और अगर ये सेल हो गई तो आपको आगे चल के मिलना, अंडे वाली मुर्गियाँ मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।